हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, यह जो बिगनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं माउथ ऑर्गन के, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल लेसन होने वाला है, क्योंकि मैं यह लेसन उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, जिन्होंने कुछ दिन माउथ ऑर्गन प्रैक्टिस किया है, सारे गम पधनी सभी उन्होंने बजाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक वो कोई गाना नहीं बजा पा रहे हैं, इसीलिए वह थोड़ा सा मायूस भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा एक फेज़ आता है जब आप सरगम सीख लेते हैं, फिर आप गाना बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप गाना निकाल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि कब मैं गाना निकाल पाऊँगा, कब गाना बजा पाऊँगा। तो मेरे पास फ्रेंड्स कुछ इस तरह के ईमेल्स आ रहे थे, कमेंट्स भी मैंने पढ़ा है कुछ कुछ मेरे चैनल पर, कि सर हम लोगों ने सारेगम पधनी सा तो सीख लिया है, आपका जो बेसिक लेसन वो भी सीख लिया है, लेकिन अभी तक कोई गाना नहीं निकाल पा रहा हूँ, कोई गाना नहीं बजा पा रहा हूँ, तो इसीलिए डिप्रेस भी हो रहे हैं। तो एक हमारे सब्सक्राइबर जी हैं अभिनव जी, उन्होंने तो यह भी लिखा है कि सर हमने तो आपसे लेसन लिया है, आपने कहा था माउथ ऑर्गन खरीदने के लिए, हमने खरीद भी लिया है, बजाना भी शुरू किया है, गाना तो अभी तक नहीं सीख पाए, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा बैंड बजा दिया। तो ये फ्रेंड्स होता है, शुरुआत में क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी धुन नहीं निकलती है, तो जो घर वाले होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या पैंपू कर रहा है, तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मुझे भी फ्रेंड्स छुप छुप के बजाना पड़ता था, मैं तो कभी कभी घंटों बाथरूम में मतलब जाके उसी में बजाता था, दरवाजे बंद करके, ताकि आवाज़ बाहर न जाए। तो इस तरह का एक फेज़ आता है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, आपको पेशेंस रखना है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए फ्रेंड्स सबसे जरूरी होता है पेशेंस, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको सिंसियर रहना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस में, और ग्रेजुअली ये आएगा, आज नहीं कल आप सीख पाएंगे। ठीक है, बस 24 होल्स का तो बात है फ्रेंड्स, अगर आपके पास 24 होल्स का माउथ ऑर्गन, बस 24 होल्स की बात है, अगर आपके पास 10 होल्स का माउथ ऑर्गन तो बस 10 होल्स की बात है, बस उसे आपको जानना है, उसका नेचर जानना है, किस किस होल में किस तरह का आवाज़ निकलता है, ये आपके ब्रेन में रिकॉर्ड होना है। ठीक है, तो बस उतना ही देरी है जितना देर में आप इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे अपने ब्रेन में, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करने के लिए, बार बार प्रैक्टिस करना क्या, मैं कहता हूँ लोअर ऑक्टेव में आप प्रैक्टिस कीजिए, मिडिल ऑक्टेव में प्रैक्टिस कीजिए, हायर ऑक्टेव में प्रैक्टिस कीजिए, बार बार ये सारे गम पधनी सा प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, आप जानते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में ये जो धुन निकल रहा है, ठीक है, ये ब्रेन इसे रिकॉर्ड करता है कि हाँ, जब मैं 9 नंबर में फूक रहा हूँ तो एक जो साउंड निकला वो आपके ब्रेन में रिकॉर्डेड हो गया, जब आप 11 नंबर में खींच रहे हैं तो जो साउंड निकला वो रिकॉर्डेड हो रहा है, एक बार में नहीं रिकॉर्ड होता, लेकिन यही चीज़ आप 10 बार अगर रिपीट करेंगे, 10 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, तब फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रिकॉर्डेड हो रहा है। ठीक है, तो होते होते क्या होगा, हर एक होल का, एक नंबर होल का फूकने से खींचने से क्या आवाज़ निकलता है, ये ब्रेन में रिकॉर्डेड हो गया, 2 नंबर होल में जब आप फूक रहे हैं तो कैसी आवाज़ निकल रही है, जब आप खींच रहे हैं कैसी आवाज़ निकल रही है, ये ब्रेन में रिकॉर्डेड हो गया, 3 नंबर होल में फूक रहे हैं खींच रहे हैं कैसी आवाज़ निकल रही है, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, ऐसे करते करते 24 जो होल्स हैं फ्रेंड, सब की आवाज़ फूकने पे क्या निकलती है, खींचने में क्या निकलती है, सब आपके ब्रेन में रिकॉर्डेड हो रहा है। ठीक है, जब ये रिकॉर्ड हो गया, अब क्या है, अब आप कोई भी गाना जब आप बजाने लगेंगे, कोई भी ट्यून जब बजाने लगेंगे गाने का, तो जब आप समझ लीजिए, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, तो ये जो ट्यून है गाने का, ठीक है, तो अब गाना, अब देखिए 24 जो होल्स हैं इसका साउंड रिकॉर्डेड है, अब ये जो ट्यून है, जिंदगी की, इसका फ्रेंड देखिए मेरे पास कोई नोटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये गाना मैं समझ लीजिए मैं 10 साल बाद ये गाना बजा रहा हूँ, मैंने ये 10 साल पहले हो सकता बजाया था, 10 साल मुझे जहाँ तक याद है मैंने गाना बजाया नहीं, ये 10 साल बाद मैं ये गाना बजा रहा हूँ, लेकिन देखिए यह जो 24 होल्स का जो साउंड है ये मेरे ब्रेन में रिकॉर्डेड है फ्रेंड्स, क्योंकि रेगुलर मैं बजाता हूँ माधव, तो ये रिकॉर्डेड है, तो ये ट्यून के अनुसार मेरा ब्रेन मुझे उस होल के पास ले जा रहा है जहाँ से ये ट्यून निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में हर एक होल्स का साउंड रिकॉर्डेड है, तो ये ट्यून किस होल से निकलेगा, फूकने पे या खींचने पे, ये ब्रेन मुझे अपने आप माउथ ऑर्गन को उस तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक होगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको टाइम देना है, टाइम देना मतलब आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करते जाना है सरगम, फिर जब आपका फ्लुएंटली प्रैक्टिस हो गया, लोअर ऑक्टेव मिडिल ऑक्टेव हायर ऑक्टेव में सरगम प्रैक्टिस हो गया, फ्लुएंटली प्रैक्टिस हो गया, आप लोअर ऑक्टेव से अचानक आपको हायर ऑक्टेव में जाना है, आप जा पा रहे हैं स्मूथली, हायर ऑक्टेव के साथ से आप लोअर ऑक्टेव के साथ में जाना चाह रहे हैं, तुरंत जाके आप बजा ले रहे हैं। ठीक है, हायर ऑक्टेव के
ग से आप मिडिल ऑक्टेव ग में आना चाहते हैं, तुरंत आप आ जा पा रहे हैं, बजा पा रहे हैं, ये जब हो जाएगा फ्रेंड्स तो ये ऑटोमेटिक आप कोई भी गाना फ्रेंड्स आप बजा पाएंगे। ठीक है, एक चांस में नहीं बजा पाएंगे लेकिन दो तीन बार कॉम्बिनेशन ट्रायल एंड एरर कॉम्बिनेशन करके या फॉलो करके आप लेकिन ये गाने को कोई भी गाना बजा सकेंगे। ठीक है, तो यही मेथड है फ्रेंड्स, यही आपको करना है और ये धीरे धीरे आएगा। आप कॉन्सेंट्रेशन मत खोइए, आप सिंसियरली बजाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दिन में कम से कम आप आधे घंटे टाइम निकाल के, ठीक है, 15 मिनट आप सवेरे बजाइए, 15 मिनट शाम को बजाइए, आधे घंटे आपको डेली प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स, और ये धीरे धीरे होगा। और घर वाले तो फ्रेंड्स ठीक है, जब आप जैसे मैंने कहा कुछ शुरुआत में आवाज़ अच्छी नहीं निकलती है तो घर वाले थोड़ा सा मतलब इरिटेटेड होते हैं कि ये कैसी आवाज़ निकली है, डिस्टर्ब हो रहा है सब। तो आपको फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आपको तो बर्दाश्त करना है। आपको जैसे मैंने बताया मैं बाथरूम में छुप छुप के बजाता था, तो आपको भी मतलब थोड़ा सा छुप छुप के बजाना पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन जब एक बार आप गाना निकाल पाएंगे फ्रेंड्स, जब आप सुनाएंगे अपने मम्मी या पापा को, ठीक है, तब जब अच्छी आवाज़ निकलेगी तब वो बहुत खुश होंगे कि या बेटा या बेटी ने मतलब कितना अच्छा धुन निकाला है, तब वो एंजॉय करेंगे। ठीक है, तब आपको शाबाशी मिलेगी। तो उस समय तक आपको फ्रेंड्स आपको वेट करना है, आपको बेयर करना है, आपको पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ठीक है, अगर बजाते बजाते आपको मतलब कुछ पल के, ठीक है, हार गया मतलब कि आपके पास आप गाने का धुन निकालने की कोशिश करें लेकिन निकल नहीं पाया, तो ठीक है आप हार गए पहली बार, लेकिन सेकेंड टाइम फ्रेंड्स आप जीतेंगे। ठीक है, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। तो फिर से सुना दूं आपको, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लगे रहिए, कुछ भी पूछना है मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आंसर दूंगा। और आप, मैं चाहता हूं आप अच्छे मॉडर्न प्लेयर बने और खुश रहें। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, पेशेंस रखना है, रोज आधे घंटे प्रैक्टिस करना है, सरगम लोअर ऑक्टेव मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव में, फिर गाना जैसे मैंने आपको बताया है आपको धुन जानना है, एक्सक्यूज मी, आपको ट्यून जानना है, उसके बाद ब्रेन आपको ऑटोमेटिक उस जगह ले जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो 3 या 4 बार में आप ट्रायल एंड एरर मेथड से आप गाने को निकालने की कोशिश कीजिए, आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो मैं लेसन बनाता रहूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ एंड प्लेयर बने, खुश रहें। ठीक है, टिल द नेक्स्ट लेसन।